हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। आज हम पढ़ेंगे एनाकार्डियम ओरिएंटल मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होती है ना, इसका कॉमन नेम होता है मार्किंग नट। ठीक है, मार्किंग नट इसका कॉमन नेम है, या फिर इसको सेमी कार्पस एनाकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मेडिसिन है ना, एक्चुअली में ये इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे है कि इसे अबॉर्शन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, इसके जूस को, इस प्लांट के। और क्या इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है कि कई लोग इसको फॉल्स ब्रूइस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्रूइस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, वो हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, किसी को फंसाना होता है ना, तो क्रिमिनल तौर पे इस प्लांट का जूस लगा लेते हैं और उससे ब्रूइस बन जाते हैं। तो वो नील से पड़ जाते हैं, तो नील से पड़ के वो ऐसे किसी को फंसाना हो तो वो कह सकते हैं कि ऐसे इंजरी हुई है या इसने हमला किया, ऐसे टाइप। तो ये इसकी वैसे ही मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, नॉलेज के लिए मैंने बता दी। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है मार्किंग नट, अप्रूवर है इसका स्टाफ, और फैमिली है एनाकार्डियासे फैमिली। इसकी ये जो फैमिली है ना, इसी फैमिली को रस्टॉक्स मेडिसिन है वो भी बिलोंग करती है। ठीक है, ये मेडिसिन जो है ना, ये मेनली इसकी तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो इसका माइंड पूछ लेते हैं एग्जाम में, एक इसके गाइडिंग सिम्टम भी पूछ, मतलब इसकी वैसे तो ड्रग पिक्चर पूरी इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन की, लेकिन स्पेशली इसका माइंड पूछा जाता है। उसके अलावा GIT भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और कभी कभी इसका स्किन इफेक्शन पूछ लेते हैं, बट ओवरऑल ही पूरी मेडिसिन ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ड्रग पिक्चर आ जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन के क्लिनिकल क्या है? ये एल्कोहलिज्म, एब्डोमिनल अफेक्शंस, ब्रेन फैग, कॉन्स्टिपेशन, कफ, डेबिलिटी, डिस्पेप्सिया, हेमरॉइड्स, ये सारी जो डिजीजेस होती हैं या जो भी है, मतलब प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर हम इसको दे सकते हैं इस मेडिसिन को। ठीक है, सो लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल वीकनेस, नर्वस एलमेंट, स्किन अफेक्शंस, वॉर्ट्स, राइटर्स क्लैम्प, ये सब क्रैम्प इसके अंदर हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को। जो एनाकार्डियम मेडिसिन है उसको लेके ना, डॉक्टर टाइलर ने एक समरी के फॉर्म में इस मेडिसिन को 4 लाइन में समराइज किया है। क्या है? एनाकार्डियम इज मार्किंग नट, तो कॉमन नेम बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला है प्लग्ड सेंसेशन आई टू गट। इसमें क्या, पूरी बॉडी में पेशेंट को प्लग लाइक सेंसेशन मिलती है। प्लग लाइक सेंसेशन का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई प्लग जो है फंसा हुआ है, उसको ऐसी फीलिंग आएगी। कहाँ से? आई टू गट, आँख में उसको लगेगा प्लग लाइक सेंसेशन, थ्रोट में लगेगा प्लग लाइक सेंसेशन, जो उसका गट है वहाँ पे भी उसको प्लग लाइक सेंसेशन आता है। और गट इन द सेंस जो पूरा GIT ट्रैक है टिल रेक्टम, रेक्टम में भी उसको प्लग लाइक सेंसेशन आएगा। अब रेक्टम में प्लग लाइक सेंसेशन आएगा तो आप सोचो क्या होगा उसको, उसको ऐसे लगेगा कि उसे स्टूल पास करना है, उसको ऐसी सेंसेशन आएगी। लेकिन वो एक्चुअली में स्टूल पास नहीं कर पाता, जब वो स्टूल पास करने जाता है उसकी इवैक्यूएशन नहीं होती, बस उसको फीलिंग आती है कि अर जाता है कि भाई उसके कोई प्लग लाइक फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो स्टूल पास करने जाता है। तो एक ये चीज़ आ गई। एनाकार्डियम हियर इज योर गाइड, प्लग विद इन, टाइट बैंड आउटसाइड। पेशेंट में क्या है, टाइट बैंडेज लाइक फीलिंग आती है। अंदर तो उसको प्लग लाइक सेंसेशन होगी, बाहर उसको लगेगा कि कोई टाइट बैंडेज बंधा हुआ है। ठीक है, मेंटली टू विल्स अपोज। मेंटली क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू विल्स। इसके अंदर एक फीलिंग आएगी कि उसे ऐसे करना चाहिए, दूसरी तरफ उसको आएगा कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए। मतलब एक तरफ उसको मन में सजेशन आएगा कि मुझे ये सही चीज़ है, ये करनी चाहिए, दूसरी तरफ उसका मन कहेगा नहीं ये नहीं, मुझे गलत चीज़ करनी चाहिए। तो ऐसे वो अपने ही मन में कंफ्यूज रहता है, उसके टू विल्स होती हैं और वो खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मुझे किसकी सुननी चाहिए। विच टू ओबे ही नेवर नोज, उसको नहीं पता चलता कि किसे उसको फॉलो करना है। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? इट एक्ट्स ऑन द माइंड एंड नर्व्स, स्टमक, रेक्टम एंड स्किन, एक्ट्स डायरेक्टली अपॉन द सेंसोरियम, डिप्रेसिंग द सेरिब्रल सेंटर्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है माइंड के ऊपर है, नर्व्स पे अफेक्शन होगा, GIT पे अफेक्शन होगा, क्योंकि प्लग लाइक सेंसेशन तो रेक्टम वगैरह में आ रही है, तो GIT भी इसका इंपॉर्टेंट है। स्किन पे एक्शन होगा, स्किन इंपॉर्टेंट है इसकी। पैथोजेनेसिस क्या, इट इज़ मोस्टली यूज इन केसेज ऑफ न्यूरोसिफिलिस प्रोड्यूसिंग ब्रेन फैग, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन नर्व्स प्रोड्यूसिंग अ कंडीशन नोन एज नर्वस डिस्पेप्सिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिजिकल मेकअप इज पेल विद ब्लू रिंग अराउंड द आइज। ठीक है, तो ऐसे नीली नीली सी आंखें होंगी और पेल फेस होता है। ठीक है, पेल फेस होगा पेशेंट का। टेम्परामेंट क्या है? हाईली इरिटेबल, स्लाइट कॉजेस मेक हिम एक्सेसिवली एंग्री। टेम्परामेंट कैसा है? पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। ठीक है, पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है और छोटी छोटी बातों पे ना उसको गुस्सा आ जाएगा, हल्का सा उसको कुछ कहेंगे बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आता है, इरिटेबल होता है पेशेंट।
रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, पेशेंट एम्बी थर्मल है, ज़्यादा चिली भी नहीं है हॉट भी नहीं है, तो कैसे एम्बी थर्मल है। मियाजन क्या है, सोरा सिफिलिस इन द बैकग्राउंड, ऑब्वियसली बात है स्किन अफेक्शंस है तो सोरा भी इसमें है, सिफिलिस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके गाइडिंग सिम्टम 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ड्रग पिक्चर भी हो ही जाती है, ठीक है, उसका गाइडिंग सिम्टम पूछ लिया तो आप ड्रग पिक्चर तो अपने आप बना ही सकते हो। तो ये गाइडिंग सिम्टम अपने इसके पढ़ते हैं। पहला क्या है, ऑल गोन सेंसेशन इन स्टमक कम्स ऑन ओनली वेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज रिलीव बाई ईटिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पेशेंट में क्या है, ऑल गोन सेंसेशन है, जैसे लगेगा कि कुछ पेट में है ही नहीं, कुछ खाली है एकदम पेट। रिलीफ कैसे मिलेगा, खाना खा के मिलेगा, जब खाना डाइजेस्ट होगा उस दौरान उसको इस सेंसेशन से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। प्लग लाइक सेंसेशन इन द इनर पार्ट सच एज एनस ईसोफेगस एक्सेट्रा, वही बॉडी पार्ट्स में क्या है, प्लग लाइक सेंसेशन है। ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने पोयम बनाई थी उसमें है, ठीक है, तो प्लग लाइक सेंसेशन होती है इसके अंदर। फिर आता है कंस्ट्रिक्टिव सेंसेशन ऑफ अ हॉक और बैंड अराउंड द पार्ट्स, एग्जाम्पल हैंड नी एक्सेट्रा। सल्फर में भी ऐसे होता है, उसको क्या है टाइटनेस फील होगी, उसको लगेगा जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे अब ये हाथ है उसको, उसको लगेगा यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, ठीक है, उसके पैर है वहाँ पे, उसको फीलिंग आएगी कि कुछ उसके टाइट बंधा हुआ है। उसके बाद है इसमें ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद दी एफर्ट द डिजायर पासिस ऑफ विदाउट इवैक्यूएशन। देखो सिंपल सी बात है, प्लग लाइक सेंसेशन है, स्टूल वाले में भी क्या है रेक्टम रीजन में उसको प्लग फील हो रहा है, तो उससे उसको क्या लगेगा कि उसको स्टूल पास करना है, इस बात की उसके अंदर अर्ज आएगी, ठीक है। देन उसके बाद है सिम्टम्स प्रोन टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइकोपोडियम भी क्या है राइट साइडेड मेडिसिन है, तो उसमें भी राइट टू लेफ्ट सिम्टम जाते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। सल्फर में भी जैसे वो कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन है, एनाकार्डियम में भी कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइंड, माइंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाकार्डियम पेशेंट मैनिफेस्ट वेरी पेक्यूलियर एंड स्ट्राइकिंग मेंटल सिम्टम विच आर एज फॉलोज, देयर इज सडन लॉस ऑफ मेमोरी, द पेशेंट इज वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। तो पेशेंट क्या है बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है, चीज़ें भूल जाता है, इसका जो माइंड है ना वो और मेडिसिन के साथ कंपेरिजन में भी आता है। तो इसमें पेशेंट को क्या है सडन लॉस ऑफ मेमोरी रहती है, ठीक है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अपनी मेमोरी उसकी वीक होती है, जल्दी चीज़ें भूल जाता है। क्या क्या भूलेगा, द पेशेंट इज सो फॉरगेटफुल दैट ही इवन फॉरगेट्स हिज ओन नेम एंड द नेम ऑफ वेल नोन प्लेसेस एंड मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा भूल लक्कड़ हो जाता है कह सकते हैं, या फिर उसका लॉस ऑफ मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है कि वो खुद का नाम भूल जाता है, अपने दोस्तों का नाम भूल जाता है और फेमस प्लेसेस का भी नाम भूल जाता है, हो सकता है अपना घर का नाम भी भूल जाता है। देर इज इरेजिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वियर, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बात बात पे ऐसे कसम खाएगा या बात बात पे दूसरों को ऐसे श्राप से दे देगा, बद्दुआ देगा, ऐसे टाइप का पेशेंट होता है। लिलियम टिक जो है इस मेडिसिन के अंदर भी यही चीज़ होती है। सेंसेशन ऑफ अ हॉप और बैंड अराउंड द पार्ट्स, फील्स ही हैज़ टू विल, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू डू। इन वन ईयर अ डेविल प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू मर्डर, इन अदर एन एंजल काउंसिल्स हिम टू डू एक्ट्स ऑफ बेनेवोलेंस। तो उसके दो विल है, हमने ऑलरेडी वो पोयम में पढ़ा कि इसमें पेशेंट की दो विल होती है, एक मन उसका कहेगा कि मुझे ये करना चाहिए, दूसरा मन कहेगा मुझे ये करना चाहिए। एक जो डेविल है उसके कान में कहेगा कि नहीं तू ऐसे कर, और जो एंजल है दूसरे कान में उसको कहेगी नहीं तू ये कर, तो वो कन्फ्यूज रहता है किसकी सुनूं मैं। इन एनाकार्डियम पेशेंट देर इज अ वेरी स्ट्रेंज टेम्पर, ही लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड बिकम सीरियस ओवर लाफेबल मैटर। तो ब्राइटा कार में भी ऐसा है और एनाकार्डियम में भी ऐसा है, पेशेंट जो है सीरियस बातों पर तो जोर जोर से हंसने लग जाएगा और जहाँ पे हंसना चाहिए उन बातों पे वो सीरियस हो जाएगा। तो ये उसका अजीब सा एकदम वेरी स्ट्रेंज टेम्पर इसमें होता है। व्हेन वॉकिंग ही फील्स एज इफ समवन इज फॉलोइंग हिम, ग्रेट इल्यूजन डिल्यूजन हेलुसिनेशन। तो जब वो चलेगा उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बार बार मुड़ के देखेगा, उसको इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मेंटली क्या है वो स्टेबल नहीं है, बहुत कुछ भूल रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, तो इल्यूजन होएगा, डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा। इल्यूजन मतलब कि फॉल्स परसेप्शन होना, जैसे रस्सी पड़ी है उसको लगेगा सांप है, हेलुसिनेशन मतलब कुछ है नहीं, खुद मनगढ़ंत चीज़ें बना रहा है कि जैसे कोई खड़ा है आसपास या कोई उसको पीछा कर रहा है जबकि कोई है नहीं ऐसा। सस्पिशियस डाउट्स एवरीथिंग अराउंड हिम, टेक्स बैड साइड ऑफ एवरीथिंग एंड बिकम्स वॉयलेंट कावर्ड आइज। तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, चिड़चिड़ा है वो, तो हमने टेम्परामेंट में पढ़ाई था, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने लग जाता है। वेरी क्रूअल मालिशियस विड इन्फ्लिक्स बॉडीली इंजरी अपॉन हिमसेल्फ एंड एब्सेंट माइंडेड हाइपोकॉन्ड्रियाकल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ अदर्स एंजाइटी फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून। तो एंजाइटी इसके अंदर रहती है, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, हाइपोकॉन्ड्रियाकल है, छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताता है। एलिमेंट्स जो है ना वही इसका हेडेक
के कॉजिशंस आएंगे, ठीक है। एलमेंट्स क्या है, बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, ज़्यादा बातों पे एक्साइट हो रहे हैं मेंटली। मेंटल एक्साइटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक कोई अच्छी न्यूज़ आई, नेगेटिव भी हो सकता है कि उसको कुछ बुरा सुनने को मिल गया, तो क्या है वो मेंटल एक्साइटमेंट है दोनों ही तरह से। तो उसकी वजह से भी ये वाली मेडिसिन के अंदर ऐसे वाले सिम्टम आएंगे पेशेंट में। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन पर फॉर पर्पसलेस थॉट्स, बिना बात के ज़्यादा जो लोग सोचते रहते हैं ना, उनके अंदर ये वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं ना, कार्डियम वाले, जो छोटी छोटी बात पे जिनमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए उन चीज़ों पे बार बार सोचते रहेंगे, तो ऐसे हेलुसिनेशन इल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कॉन्सिक्वेंट ऑफ फ्राइट एंड मोर्टिफिकेशन। हेडेक का कॉजेशन भी यही है, एनजाइटी है, फियर फ्राइट है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, यूजलेस थॉट सोचना, हेडेक होने लग जाएगा सोच सोच के, तो कॉमन बात भी है। हेडेक कहाँ होगा, फोरहेड पे होगा, टेम्पल पे, वर्टेक्स पे, ऑसीपुट पे। और सेंसेशन कैसी होगी, प्लग लाइक सेंसेशन होगी। करेक्टर ऑफ पेन क्या है, प्रेसिंग पेन होगा, लाइक अ प्लग, ऐसे लग रहा है वो प्लग लाइक पेन है, उसे पेन हो रहा है। मोडालिटीज एग्रेवेशन क्या है, मेंटल एग्जर्शन से, एम्प्टी स्टमक से, मोशन से। एम्ल्योरेशन कहाँ से होगा, लाइंग डाउन व्हेन ईटिंग एंड व्हेन फॉलिंग स्लीप, और आराम करने से उसको सही हो जाएगा हेडेक, ज़्यादा सोचेगा, मेंटल एग्जर्शन करेगा, हेडेक बढ़ जाएगा। गैस्ट्रिक सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, स्टमक का कॉजेशन क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बंदा पर्सन जो है ज़्यादा हिलता नहीं है, बैठा रहता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, तो उसे हम कहेंगे कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं उसमें कॉजेशन होगी स्टमक वाली। देन सेंसेशन, ऑल बोन सेंसेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइडिंग सिम्टम में, पेशेंट को ऑल बोन सेंसेशन है, पेट एकदम खाली है ऐसा लगता है, खाना खाएगा तो रिलीफ मिलेगा, खाना जब डाइजेस्ट होगा तब तक उसको रिलीफ रहता है, इस वजह से पेट खाली होने की वजह से उसको यहाँ पे लिखा हुआ गैस्ट्रिक हेडेक भी हो जाता है, ठीक है। एम्प्टी स्टमक की वजह से हेडेक भी हो जाता है, तो यहाँ पे वही लिखा है, गैस्ट्रिक हेडेक ऑफ द पर्सन हु लेड अ सेडेंटरी लाइफ एंड हु ईट एंड ड्रिंक इन हरी विद चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट वाइल स्वेलोइंग, जो बहुत तेजी से जल्दबाजी में खाते हैं। देयर इज ऑल बोन सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन इट्स एम्प्टी, वही प्लग लाइक सेंसेशन इसमें भी आएगी, ऑल बोन सेंसेशन आएगी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है। उसके बाद इसमें मोडालिटीज क्या है स्टमक कंप्लेंट्स की, एग्रावेशन इन एम्प्टी स्टमक एंड रिलीफ बाय ईटिंग, वही पेट अगर खाली है तो उसको एग्रावेशन होगा, अगर खाया हुआ खाना तो उसको रिलीफ हो जाएगा। रेक्टम में पैरेटिक वीकनेस और एक्चुअल पैरालिसिस ऑफ द रेक्टम विद ग्रेट डिजायर ऑफ स्टूल, बट द एफर्ट द डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन, द इस प्लग लाइक सेंसेशन द रेक्टम, सेम वही चीज़ है, रेक्टम में उसको प्लग लाइक सेंसेशन होगी, उसको क्या लगेगा कि कुछ उसको प्लग लाइक फीलिंग आ रही है, तो उसको ऐसे लगेगा कि शायद उसे स्टूल पास करना चाहिए, बट वो जब स्टूल पास करने जाएगा उसको इवैक्यूएशन नहीं होगी, वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा, बस उसको सेंसेशन ही ऐसी होती है। स्किन भी इसका इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। लुक ऑफ द स्किन क्या है, एरिसिफिलाइटिस, इरप्शन ऑफ मेलिग्नेंट टाइप, स्किन पे इरप्शन हो जाते हैं, ठीक है। और ये इरप्शन कैसे होते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, ये वेसिकल्स कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे ये वेसिकल्स, एंड इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग और इचिंग होती है। वॉट्स भी बन सकते हैं ऑन द पाम ऑफ हैंड, एक्जिमा के अंदर भी दे सकते हैं, इंटेंस इचिंग विद मेंटल इरिटेबिलिटी, ये मेंटल इरिटेबिलिटी होगी, साथ में स्किन में एरिसिवेलास है, इरप्शंस है और इचिंग है, बर्निंग है, नॉट रिलीव बाय स्क्रैचिंग, लाइकन प्लानस न्यूरोटिक एक्जिमा, एनास्थेटिक पैचेस इन लेप्रोसी विद अल्सर फॉर्मेशन, ट्रॉपिक अल्सर, देखो अल्सर फॉर्मेशन होने की इसमें टेंडेंसी है, तभी हमने इसमें म्याजम क्या लिखा है, सिफिलिस, ठीक है, अल्सर होने की इसमें चांसेस रहते हैं। मोडालिटी क्या है, एग्रेवेशन फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन, कॉन्कॉम्पिटेंट इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग इसके अंदर रहती है। जनरल मोडालिटीज़ क्या, मोशन से, मेंटल वर्क से, एम्प्टी स्टमक से, एग्रेवेशन है, एम्ल्यूरेशन, ईटिंग से, लाइंग डाउन से, फॉलिंग स्लीप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।